Hello everyone, this is Rohit and we are going to start the new chapter of today and the name of the chapter is water. Basically class 7th ka chapter hai SST ko related to the section geography. To aaiye jante hain water kya hai. Ye chapter kafi zyada aapke liye important bhi hai aur bahut zyada helpful bhi hai kiske liye? Ye aapka exam purpose ke liye. To jante hain water kya hai. Dekhiye वाटर हम सबकी बेसिक नीड है. आप सब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ. वाटर जो है उसको हिंदी में पानी बोलते हैं. आप भी पीते हैं, मैं भी पीता हूँ. ठीक है, तो वाटर का यूज़ कितने सोर्सेज में किया जाता है, वाटर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सब हम इस चैप्टर में जानेंगे. तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड विद वाटर. अब हम जिस लैंड सरफेस पर रहते हैं ना, हमारा जो लैंड सरफेस है, हम ग्लोब कह लें, हम इसको वर्ल्ड कह लें, हम इसको यूनिवर्स कह लें, हम इसको जो चाहें वो कह लें, ये जो हमारी दुनिया है, ये अर्थ है, इसका 71% जो एरिया है ना, वो किसने कवर कर रखा है, वो वाटर ने कवर कर रखा है. यानी कि हम जो लोग सिर्फ रहते हैं, हम 29% पे सर्वाइव करते हैं. अब अबाउट लगा हुआ है 71% के आगे, तो ये जो फिगर है या स्टैटिक्स है ये मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ. देखिए अबाउट 71% है, लेकिन अगर एग्जैक्टली मैं इसकी बात करूँ आपसे तो एग्जैक्टली है, दैट इज 70.8, यानी कि 70.80% वाटर है वर्ल्ड के अंदर. और 29.20 क्या है, हम लोग रहते हैं जिसमें ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, प्लांट्स हैं, ये सारी चीज़ें 29.2% में सर्वाइव करते हैं. ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, ऑलमोस्ट ऑल द वाटर ऑफ द अर्थ इज कंटेन्ड इन द सीज एंड ओशियंस, रिवर्स, लेक्स, आई कैप्स, ग्राउंड वाटर एंड इन द एटमोसफियर. अब पानी हम कहाँ कहाँ देखते हैं, पानी जो है बेसिकली वो हम सीज में देखते हैं, यानी कि समुद्र में देखते हैं, लेक्स में देखते हैं, रिवर्स में देखते हैं, ओशियंस में देखते हैं, पौंड में देखते हैं, अपने घर में भी देखते हैं. जो हमारी पानी की टंकी है वो भी हमारा एक सोर्स ऑफ वाटर है, जहाँ पे वाटर हमारा क्या होता है, कंटेन होता है. अब लास्ट में कह रहा है मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज नॉट फिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन, द वाटर दैट इज फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज फ्रेश. कहने का मतलब है कि इतना सारा जो पानी है जो हमारे आसपास है, 71% अबाउट जो वाटर है, ये सारा पीने के योग्य नहीं है. यानी कि सारा पानी जो है वो हम नहीं पी सकते. इसमें कुछ अमाउंट, कुछ परसेंटेज का जो अमाउंट है, उतना ही अमाउंट हम वाटर पी सकते हैं या ले सकते हैं. आगे बात करें फॉर्म्स ऑफ वाटर, तो इसको समझाने से पहले ना मैं आपको दो तीन चीज़ें क्लियर कर दूँ. देखिए वाटर की नीड हमें क्या क्या होती है, हमें पानी पीने के लिए ज़रूरत होती है, हमें घर की साफ़ सफाई के लिए पानी की ज़रूरत है, हमें जो है खाना बनाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, कपड़े धोने के लिए पानी की ज़रूरत होती है. इसके अलावा बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में कूलिंग इफेक्ट होता है, यानी कि मशीनों से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उनको ठंडा करने के लिए या उनको गर्म करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है. तो वाटर जो है ना आज की बेसिक नीड है. आज की क्या, वाटर हमेशा से हर किसी नेचुरल एनिमल या फिर नेचुरल जितनी भी चीज़ें ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इनकी क्या है, बेसिक नीड रही है. फार्मर्स के लिए क्या है, फार्मिंग है. फार्मिंग किससे होती है, पानी से होती है मोस्टली, तो वो उनकी बेसिक नीड्स है. तो इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं. तो फॉर्म्स ऑफ वाटर अभी इतनी ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है ये पानी, ये क्यों बनता है या कैसे बनता है हम जानेंगे. वाटर ऑन द अर्थ हैज़ बीन मेंटेन्ड फॉर द मिलियंस ऑफ ईयर्स विद द वेरियस प्रोसेस विच मेक्स द वाटर साइकिल. अब कहने का क्या मतलब है, वाटर साइकिल क्या है, ये आपको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा. वाटर एक मिलियंस ऑफ ईयर है, वो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं. तो यानी कि आज से तकरीबन 1 करोड़ ईयर पहले क्या हुआ था कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, ये तीन टाइप की स्टेट्स होती हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट. सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में बड़े बड़े मिनरल्स और रॉक्स आते हैं. लिक्विड में आता है पानी, लिक्विड में आता है पेट्रोल, लिक्विड में आता है दूध, यानी कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा सॉलिड ना हो. और गैसियस में क्या आता है, हमारी गैसेस आती हैं, हमारी LPG है, CNG है, नाइट्रोजन है, हीलियम है, हाइड्रोजन है, ये सारा जो पोर्शन है ये किसका है, ये हमारा गैस का पोर्शन है. तो क्या हुआ, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों के कंसेप्ट से क्या है, धीमे 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 करके एक नॉर्मल मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ और उसको लिक्विड की शेप दे दी गई, जिसको बोलते हैं हम वाटर. तो वाटर हजारों साल पहले आज से या लाखों साल पहले आज से क्या हुआ था, एक छोटे से डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज़ में क्या है, लिक्विड फॉर्म में हमें मिला, जिसको हम वाटर कहते हैं.
वाटर इकलौता ऐसा लिक्विड है जो कलरलेस होता है, यानी कि वाटर का कोई भी कलर नहीं होता, वाटर इज अ कलरलेस लिक्विड। ठीक है, अब वाटर आपको मिलता कितनी फॉर्म में, वाटर आपको आइस की यानी कि बर्फ की फॉर्म में मिल जाएगा। आप शाम को पानी रखते हैं अपने फ्रिज में, सुबह आप निकालते हैं तो वो आपको आइस क्यूब की फॉर्म में मिलता है। आइस क्यूब आपको वाटर की फॉर्म में मिलेगी। आइसक्रीम्स में मोस्टली क्या है कि हम देखते हैं कि अगर ऊपर का उसका क्रीम है तो उसमें अगर आप उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ देंगे तो पानी पानी अलग हो जाएगा, क्रीम अलग हो जाएगी। तो वाटर हमें काफ़ी सारी फॉर्म्स में मिलता है, ओशियंस में मिलता है, लेक्स में मिलता है, इसके अलावा पॉन्ड्स में मिलता है, रिवर्स में मिलता है। ये चीज़ें मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। आगे अब द गैसियस फॉर्म इज वाटर प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस। मैंने आपको अभी बताया कि हमारे आसपास एयर रहती है, एयर बहुत सी चीज़ों से टकरा के आती है, यानी कि बड़े बड़े मिनरल्स हैं या फिर बड़े बड़े लेक्स हैं, ओशियंस हैं, पॉन्ड्स हैं, सीज हैं, इनसे टकरा के एयर और पूरे एटमोसफियर में क्या होती है, घूमती है, जैसे हम सांस लेते हैं। तो बेसिकली ये पूरे टाइम हमारे आसपास मॉइस्चर क्रिएट करती है, और मॉइस्चर किससे क्रिएट होता है, मॉइस्चर क्रिएट होता है हमारा वाटर से। आगे बात करें, ये हमारा वाटर साइकिल टेबल है। मोस्ट ऑफ द बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर वाटर साइकिल की डेफिनेशन कैसे लिखें, तो मैं बहुत इजी कंसेप्ट में आपको समझा दे रहा हूँ। सबसे टॉप पे अगर आप देख पा रहे होंगे ये वाली जगह, तो ये आप हमारा क्लाउड है। क्या है हमारा ये वाला पोर्शन, दैट इज क्लाउड पोर्शन, ये हमारा क्लाउड है। क्लाउड से बेसिकली क्या हो रहा है, प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है बारिश, बादल गरजने को हुई, यहाँ से बारिश होना शुरू हो गई और प्रिसिपिटेशन के थ्रू बारिश हुई। प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है रेनफॉल या बारिश। अब ये जो पानी है कहाँ कहाँ गिरा है, ये ट्रीज पे गिरा है, इधर ये हाउसेस पे गिरा है, ये कोई अगर छोटी सी फैक्ट्री या फार्म हाउस है उस पर गिरा है। ठीक है, तो अब क्या हुआ है, पानी जो गिरा है ना, पूरा पानी कहाँ आ जाएगा, या ग्राउंड सरफेस पे आ जाएगा इस जगह, लेकिन पूरा नहीं आएगा, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर कहाँ रह जाएगा, इनकी लीव्स पे रह जाएगा, ये घर की छतों पर रह जाएगा, ये कोई फार्म हाउस है इसकी छत पर रह जाएगा, ये कुछ ट्रीज हैं इनकी पत्तियों पर रह जाएगा, कुछ पानी अमाउंट का जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो यहाँ रह जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर है। आगे अगर मैं बात करूँ आपसे, तो जो अमाउंट ग्राउंड वाटर पे आ गया पानी का, वो तो यहाँ चला जाएगा, यानी कि हमारी ज़मीन के अंदर चला जाएगा। ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, ये वाला हम यहाँ रहते हैं, इसके नीचे का पोर्शन हमने नहीं देखा। इसके नीचे हम अगर अपनी समर लगाते हैं, या समर के थ्रू पाइप्स नीचे जाते हैं, या फिर कोई भी पानी है, खेती हो रही है, हम डिग करते हैं ना, डिग का मतलब होता है खुदाई करते हैं, तब हमें अपने नीचे की चीज़ें दिखाई देती हैं। तो जो बचा हुआ पानी है ग्राउंड सरफेस पर गिरा, और ग्राउंड सरफेस के थ्रू नीचे लेयर्स में चला गया सॉलिड लिक्विडर्स में। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हम इस चीज़ को बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन, यानी कि पानी आया फिल्टर होके कहाँ चला गया, फिल्टर्ड वाटर चला गया हमारा ग्राउंड वाटर नीचे की तरफ, और जो ऊपर रह गया सरफेस पर, दैट इज़ इन्फिल्ट्रेशन। फिर क्या होता है, अब आई है ट्रांसपेरेंस या ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इधर जो पानी हमारा कहाँ था, जो पानी हमारा पेड़ों पर रुक गया, या छत पर रुक गया, या किसी भी बिल्डिंग के टॉप सरफेस पर रुक गया, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। अब वो क्या बनाना स्टार्ट करेगा, वो एक भाप बनाना स्टार्ट करेगा, स्ट्रीम बनाना स्टार्ट करेगा, वो स्ट्रीम एवोपरेट हो जाएगी थोड़े टाइम बाद, यानी कि तकरीबन 2 घंटे बाद, या 1 घंटे बाद, या 5 मिनट बाद, इसका एक टाइम पीरियड होता है। ये इस पर डिपेंड करता है कि बारिश कितनी हुई है, या कितना पानी जो है वो नीचे आया है। ठीक है, तो एवोपरेशन का मतलब होता है कोई भी वाटर भाप बन के ऊपर दोबारा से कहाँ उड़ जाना, बारिश की तरफ, सॉरी बादल की तरफ ही उड़ जाना। तो ये दोबारा से यहाँ पे कहाँ पहुँच गया, बादल की तरफ पहुँच गया, और बादल दोबारा से क्या होंगे, कंडेंस्ड होंगे, यानी कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू दोबारा से बादल इस पानी को लिक्विड फॉर्म में, बादलों में नीचे की तरफ गिराने की, या नीचे की तरफ बारिश करने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरा वाटर सर्किल होता है, पहले क्लाउड से बारिश हुई, बारिश के बाद जो पानी था थोड़ा सा पानी छतों पे और हमारे ट्रीज पे रह गया, बचा हुआ पानी ग्राउंड वाटर जो ग्राउंड पे पड़ा और नीचे की तरफ चढ़ा गया, ग्राउंड पे जो पानी बचा उसको इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं, उसके बाद जो पानी ऊपर की तरफ रह गया था वो ट्रांसपेरेंट्स, यानी कि ट्रांसपेरेंट होकर क्या होने लगा, भाप बनने लगा, और भाप बन के उड़ा, जिस प्रोसेस से उड़ा उसको एवोपरेशन बोलते हैं, दोबारा से वाटर ऊपर पहुंच गया और कंडेंस फॉर्म में दोबारा से वो बारिश होने के लिए तैयार हो गया। आगे बात करूँ ग्राउंड वाटर की, अभी मैंने आपको समझाया, द ग्राउंड वाटर इज अ लार्ज स्टोरेज ऑफ वाटर इनसाइड इट। इफ वी डिग डीपर एंड डीपर बिलो द अर्थ, वी विल रीच अ लेवल वेयर ऑल द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल एंड गैप्स बिटवीन रॉक्स आर फिल्ड विद वाटर। अब ग्राउंड वाटर क्या होता है, ये सरफेस है हमारा, ये सबसे छोटा सरफेस जहाँ हम रहते हैं ग्राउंड वाटर,
ग्राउंड सरफेस, इस पर डायरेक्ट पानी पड़ा, पानी सीधा ग्राउंड सरफेस से टकराएगा, तो ये हमारे ग्राउंड सरफेस पर क्या मिलता है हमें, मिट्टी मिलती है, कंकड़ मिलते हैं, फाइन कोर्स मिलते हैं या फिर कोर्स सोयल मिलते हैं, यानी कि छोटे पत्थर और बड़े पत्थर मिलते हैं। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सोयल्स होती हैं, प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, इन्हीं पर तो पानी आता है ग्राउंड सरफेस पर। तो ये वाटर क्या करता है, वाटर जो फर्स्ट अपर लेयर होती है ग्राउंड सरफेस की, उसमें पूरा पानी फैल जाता है, और पूरा पानी फैल के जो भी फिलिंग सरफेस होता है, यानी कि एम्प्टी सरफेस बोलते हैं, खाली सरफेस, जैसे अगर कहीं गड्ढा हुआ है उसको पानी भर देगा, या फिर कहीं पे गिट्टी डली हुई है दो चार, तो वो एरिया ऊंचा है तो पानी से वो क्या हो जाएगा, इक्वली हो जाएगा। तो ये अमाउंट हमारा जो है, ये डेटा आप नोटेड डाउन कर सकते हैं, ये ग्राउंड सरफेस हो जाता है ग्राउंड वाटर बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब आप देख रहे होंगे ग्राउंड वाटर वर्क कैसे करता है। ऊपर ये आपको बादल दिख रहे हैं, ये बादल वाला पोर्शन है, इन बादल से बारिश हुई, बारिश नॉर्मली कहाँ पहुँच गई हमारा, ये हमारा ग्राउंड स्ट्रीम पे पहुंच गई या ग्राउंड सरफेस पे पहुंच गई। अब ग्राउंड सरफेस पे पहुंचने के बाद क्या होता है कि आप देख रहे होंगे ये ट्रीज हैं हमारे, ट्रीज के बाद ये यहाँ पर ग्राउंड सरफेस पे हेडपम्प लगा हुआ है। अब हेडपम्प हमारा ग्राउंड सरफेस पे लगा होता है, जिसको हेड का मतलब हो गया हैंड का मतलब हम हाथ से, पंप का मतलब एक पंप फ्लो करते हैं ऊपर नीचे और पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये ग्राउंड सरफेस तो हमारा हेडपम्प वाला है, अब इसके नीचे पाइपलाइन बिछी हुई होती है। आप लोगों के घर में समर लगते हैं तो पहले क्या होता है, एक डिग मशीन आती है जो खुदाई करती है, ठीक है, पाइपलाइंस यानी कि पाइप्स के लिए जगह बनाती है जिसमें पाइप्स डाले जाते हैं, फिर पाइप्स डालने के बाद उसको हिंदी में बोला जाता है कि हमारे यहाँ बोरिंग हो रही है। बोरिंग का मतलब कि समर के लिए पाइपलाइन डाली जा रही है जिससे कि पानी यहाँ पर। तो किसी के यहाँ पहले के टाइम में ना वाटर जो होता था वो 120 फीट पे मिल जाता था, या 100 फीट पे मिल जाता था, 140 फीट पे मिल जाता था, लेकिन आज के टाइम में जो पानी है वो 250 फीट से लेके 270 फीट पे मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन, ये पूरा एरिया जो है वाटर से फिल्ड रहता था पहले के टाइम पे, क्योंकि पॉपुलेशन कम थी, हम लोग कम थे। सेंसस के अकॉर्डिंग 2012 में हम लोग 125 करोड़ थे, आज हम 2020 के डेटा में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये अमाउंट कितना हो जा रहा है, ये अमाउंट अप्रोक्स 137 करोड़ में पहुंच रहा है। तो पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़ रही है, जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हर चीज़ की रिक्वायरमेंट है, पानी की है, खाने की है, कपड़े की है, घर की है, लैंड की है, सर्विस की है, हर चीज़ की है। तो पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो पानी की जो रिक्वायरमेंट ज़्यादा है प्रोडक्शन कम है, क्योंकि पानी दिन पे दिन सूखता जा रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। जब सूरज की रोशनी बढ़ती है तो जितने भी पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, इनका पानी एवोपेशन के थ्रू ऊपर ही पहुंच जाता है, कहाँ बादलों में पहुंच जाता है, और क्या हो रहा है हमारे यहाँ कि पानी सूखता जा रहा है, जिसकी वजह से वाटर लेवल दिन पे दिन नीचे गिरता जा रहा है। तो आप लोग चेक कर पा रहे होंगे कि ये वाला जो ग्राउंड सरफेस वाला पोर्शन है पहले 120 पर जो होता था, आज के टाइम में पाइप्स बढ़ाए जाते हैं। अक्सर लोगों के घर में समर पानी देना बंद कर देती हैं तो बोलते हैं कि किसी भी जो समर्स को ठीक करते हैं उनको बुलाइए, जो भी मैकेनिक होते हैं, और वो पाइप बढ़ा के जाते हैं, 20 फीट पाइप बढ़ा देंगे, 30 फीट पाइप बढ़ा देंगे, वो इसलिए कि वाटर लेवल दिन पर दिन हमारा जो है वो नीचे चलता जाता है। आगे बात करूँ मैं डिप्लीशन ऑफ लेयर की, तो डिप्लीशन ऑफ लेयर क्या होता है, यानी कि पानी की कमी, जो मैंने आपको भी बताया, सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे पहले इसका। इट इज़ ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज दिन पर दिन बढ़ रही हैं, डिक्रीज ऑफ सीपेज एरिया ऑफ सीपेज रेन वाटर एग्रीकल्चर। अब एक वर्ड है इसमें, ये सीपेज एरिया, ये क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सीपेज का मतलब होता है कि कोई भी ग्राउंड सरफेस है, सपोज ये ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड सरफेस पर जो भी लोग हम रहते हैं, हम अपनी फैक्ट्री लगा रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं, स्कूल्स, मेडिकल्स, हॉस्पिटल्स, जो भी बना रहे हैं, इसमें कोई ना कोई पॉपुलेशन काम करेगी, वर्कर्स काम करेंगे, एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, लेबर काम करेगी, इनको पीने के लिए पानी की ज़रूरत होगी, और भी इनके नॉर्मल बेसिक यूज़ होते हैं उनके लिए पानी की ज़रूरत होगी। तो ये वाला जो पानी वाला पोर्शन होता है, ये रिक्वायरमेंट बढ़ती है जैसे जैसे फैक्ट्रियाँ बड़ी होती हैं, इंडस्ट्रीज बड़ी होती हैं, रिक्वायरमेंट बढ़ती है, लेबर एक्स्ट्रा होती है, तो जो अमाउंट ऑफ वाटर इंडस्ट्रीज़ में या फिर कमर्शियल साइट्स पे, इंडस्ट्री हो गया, कॉलेज हो गया, या मैं इसके अलावा आपकी बात करूँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, प्राइवेट या गवर्नमेंट कोई भी, या फिर स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, मेडिकल स्कूल्स हो गए, जो भी कमर्शियल पर्पस का एरिया जहाँ पे वाटर होता है उसको हम सीपेज एरिया बोलते हैं। इतनी चीज़ क्लियर है। अच्छा, एग्रीकल एक्टिविटीज़ में भी हमारा पानी खर्च होता है, जैसे कि हम बात करें अगर
कि हमारा खेत है अगर कहीं पे, तो खेत में बेसिकली क्या होता है कि फसल जो क्रॉप होती है सीजनल क्रॉप, जैसे रेनी, जैसे कि आपका ज़ियाद क्रॉप है या फिर आपका खारिफ क्रॉप है या फिर आपका रबी क्रॉप है, कोई भी क्रॉप है, उसको बिना पानी दिए आप नहीं समझता कि फसल कर सकते हैं या फसल उग सकती है, तो एक अमाउंट ऑफ वाटर आप खेतों में देखते हैं। कुछ लोगों पे पानी नहीं होता, या उनके घर में क्या है समर्स, सॉरी उनके खेतों में समर्स नहीं होती, या फिर वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, तो क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ लोगों के खेतों के पास से कोई भी रिवर या कोई भी नदी या कोई भी एक कैनाल निकला हुआ होता है, तो उसको वो क्या करते हैं, उसको वो एक तरीके से काट के, यानी कि पैसे जैसे निकला है हमारा खेत इधर है, तो उसको काट के अपनी तरफ मोड़ लेते हैं पानी को, ठीक है। तो जिसकी वजह से पानी का क्या है कि वेस्टेज हो रहा है या यूज़ हो रहा है, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको, तो इस तरीके से वाटर टेबल जो है वो दिन पर दिन नीचे आती जा रही है। आगे बात करेंगे इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की। इतनी टाइम से मैं आपको यही समझा रहा हूँ, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्रिएट्स डिमांड्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हाउसेज की डिमांड बढ़ गई है कि भाई पहले जिस घर में 4 लोग रहते थे अब उसमें 8 हो गए, 12 हो गए, 16 हो गए, तो 16 लोग, जहाँ पहले 4 लोग रहते थे तो 4 रूम्स थे, अब 16 लोग हैं तो एक में 4 आ गए। एक टाइम बाद ऐसा आएगा कि लोगों को घर की ज़रूरत होगी, तो हाउसेस दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, शॉप्स बढ़ रही हैं, ऑफिसेस बढ़ रही हैं, रोड बढ़ रहे हैं, अब पॉपुलेशन रोड पर चलेगी, रोड तो उतना ही चौड़ा है भाई। अब अगर आप क्या करेंगे, रोड उतना ही चौड़ा है और पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ रही है, पहले उसी रोड पर 2 लोग चलते थे, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर पॉपुलेशन बढ़ी, उस रोड पर 4 लोग चलने लगे, अब पॉपुलेशन इतनी हो गई है कि उस रोड पर तो एक बार में 100 लोग चल रहे हैं, तो रोड तो उतना ही बड़ा है, पॉपुलेशन बढ़ी है, जिसकी वजह से क्या है दिन पे दिन रोड बनाए जा रहे हैं। तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से पार्क्स जो हैं, पहले फॉरेस्ट होते थे या फिर मैं कह लूँ कि बड़े बड़े जहाँ पे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स रहते थे, उन सब जगह को काट के, पेड़ पौधों को काट के कॉलोनीज काटी जा रही हैं, क्योंकि भाई लोगों के पास लैंड नहीं है, लैंड नहीं होगा पॉपुलेशन रह कहाँ पाएगी, और जब पॉपुलेशन रहेगी तो वो पानी का, खाने का, उसको सारी चीज़ें चाहिए होंगी, जिसकी वजह से दिन ब दिन चीज़ों की प्रॉब्लम होती जा रही है। आगे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। यही मैंने समझाया कि एक एक्सेसिव अमाउंट में क्या है पानी की ज़रूरत होती है हर सेक्टर को, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, टर्शरी सेक्टर हो। अब ये क्या होते हैं, अगर आप जंगल में रह रहे हैं वहाँ पर भी आपको पानी चाहिए, अगर आप सिटीज़ में रह रहे हैं, रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, टाउन्स में रह रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रह रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, नोएडा, आगरा, फिरोज़ाबाद, आप कहीं पे भी रह रहे हैं किसी भी स्टेट में, आपको पानी की रिक्वायरमेंट, आपके घर में 4 लोग हैं तो आपको 4 लोगों की ज़रूरत है, किसी के घर में 20 मेंबर्स हैं तो उनको उतने पानी की ज़रूरत है, लेकिन पानी दिन पे दिन नहीं बढ़ रहा, इसका वाटर लेवल दिन पे दिन नीचे आते जा रहा है, लेकिन इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं इस चीज़ में कि वाटर नहीं बढ़ा, बारिश भी कम होने लगी है दिन पे दिन, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ट्रीज कटते जा रहे हैं, कॉलोनीज बनती जा रही हैं, तो बारिश हो नहीं रही है, बारिश इकलौता सोर्स ऑफ मीडियम होता है पानी बढ़ाने का, मौसम को ठंडा करने का, ये ग्लोबल वार्मिंग नीचे लेके आने का, तो वो हो नहीं रहा, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। बिहार साइड में क्या है, फ्लड, फ्लड तो एक अलग कंसेप्ट है, अगर मैं ड्रॉट की बात करूँ यानी कि सूखा, तो बिहार में हर साल सूखा क्यों पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी है और बारिश एट अ टाइम होती नहीं है, तो वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं। अब वाटर मैनेजमेंट क्या होता है, अगर मैं वाटर मैनेजमेंट की बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द वाटर दैट वी गेट्स एज अ फॉल जस्ट पास अवे द रेन वाटर कैन बी यूज टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर, ये मेरा ग्राउंड सरफेस है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ऊपर से बारिश हुई, ग्राउंड सरफेस चार्ज हो गया, आप अपने मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं, अगर रिचार्ज आपका ख़त्म हो जाता है तो उसके 5 दिन पहले से ही आपको कंपनियाँ, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जो भी टेलीकॉम कंपनीज हैं, वो आपको मैसेजेस भेजना स्टार्ट कर देती हैं कि आपकी प्लान की वैलिडिटी समाप्त होने को है, फिनिश होने को, आप इसको रिचार्ज कराएं, रिचार्ज कराएं, रिचार्ज कराएं, रिचार्ज कर सुनते सुनते हमारे सिर में दर्द होने लग जाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जिस लैंड सरफेस पे हम लोग रहते हैं, इस पे अगर बारिश नहीं होती तो इसके अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं मुझे पानी की ज़रूरत है, जो लैंड सरफेस है, फॉरेस्ट हैं, ट्रीज हैं, एग्रीकल्चर लैंड है, इसको भी पानी की ज़रूरत होती है, प्लांट्स तभी ग्रो करेगा कि उसको वाटर मिलेगा, जैसे हमें खाने की ज़रूरत है, प्लांट्स को पानी की ज़रूरत होती है उसको बड़ा करने के लिए। तो वाटर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आज के टाइम में हो गई है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे हो रही है, लोग क्या करते हैं, वेबरीज का यूज़ करते हैं, एक वर्ड आप सुन रहे होंगे वेबरीज। अब वेबरीज क्या होता है,
आपने रोड्स पे या खेतों में देखा होगा, एक छोटा सा सॉकेट पिन लगाया जाता है जिसमें स्प्रे सेक्शन होता है, यानी कि चार सेक्शन से स्प्रे निकलते हैं धीमे धीमे, स्प्रिंग फसल बोलते हैं जिसको, इसको बेवरीज बोलते हैं। मैं आपको अभी इमेज में शो करूँगा बेवरीज क्या होता है। अब जानते हैं कि इंडिया में कहाँ कहाँ किस किस जगह बारिश होती है। तो देखिए, एबव 400 सेंटीमीटर रेनफॉल का मतलब होता है बारिश, 400 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश जो होती है, ये वाला आपका जो ये आपका पर्पल कलर का एरिया आपको दिख रहा होगा, ये वाले जो एरियाज हैं। 200 से 400 मीटर की जो बारिश होती है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश और ये नागालैंड वाला ये रीजन है। इधर आप एक गोवा साइड देख रहे हैं, ये आपका 200 to 400 सेंटीमीटर रेनफॉल वाला रीजन है जहाँ पर बारिश होती है। मैं बात करूँ 60 to 100 की, तो ये फिगर्स हैं, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि इंडिया के किस रीजन में कितनी बारिश होती है। वेबरीज मैंने अभी आपको समझाया वेबरीज क्या है। अब ड्रिप इरीगेशन क्या होता है, देखिए ड्रिप इरीगेशन होता है कि एक लिमिटेड एक अमाउंट ऑफ वाटर है हमारे पास जिसमें हमें क्या करना है, जिसमें हमें फसल करनी है किसी भी खेत में, तो पानी को बचाते हुए क्या है फसल को करना, ये ड्रिप इरीगेशन कहलाता है। इसमें क्या करते हैं, स्प्रेज आप लोगों ने देखी होंगी, स्प्रेज के थ्रू जैसे कि कुछ लोग अपने बैक साइड पर स्प्रे टांग के और इस तरीके से स्प्रेज करते हैं, ठीक है। तो स्प्रे को उसमें वाटर हो सकता है, उसमें केमिकल्स हो सकते हैं, उसमें लिक्विड हो सकता है, लेकिन फर्टिलिटी पावर सोइल की ना ख़त्म हो उसकी वजह से ड्रिप इरीगेशन का यूज़ करते हैं जिसमें वाटर एक सेलेक्टेड अमाउंट में यूज़ होता है। ये देखिए ड्रिप इरीगेशन की जो मैं बात कर रहा था कि ये स्प्रे सेक्शंस बने हुए हैं, यहाँ पे कैनाल सेक्शन लगाया जाता है जिसमें चार साइड स्प्रेज होती हैं, पानी इस तरीके से बहता है कि इधर भी वाटर जाएगा, इधर भी वाटर जाएगा, इस साइड भी वाटर जाएगा और इधर भी वाटर जाएगा, तो इसको हम ड्रिप इरीगेशन सिस्टम बोलते हैं। ओके, सो आगे अगर मैं बताना चाहूँ आपको, वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रीशियस रिसोर्स, प्लीज़ सेव, यानी का मतलब है कि वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और प्रीशियस रिसोर्स है, इसको दिन पे दिन बचाने की कोशिश करें, सेलेक्टेड अमाउंट ऑफ वाटर है उसका यूज़ करें। जैसे कि अगर मैं बात करूँ हमारे रूरल एरियाज़ में तो वाटर सेलेक्टेड यूज़ होता है, लेकिन अर्बन अर्बन एरियाज़ हैं या फिर टाउन्स हैं इनमें क्या है, अक्सर हम अपना शॉवर, शावर का मतलब हो गया कि जो भी हम नहाते हैं वो एक्सेसिव अमाउंट में पानी यूज़ करते हैं, या हमारा वॉश मिशन है जब भी हम ब्रश कर रहे हैं तो अक्सर उस टैप को हम खुला छोड़ देते हैं जो नल होता है, तो ये छोटे छोटे कुछ इक्विपमेंट्स हैं या टर्म्स हैं जिसकी वजह से हम पानी को क्या है वेस्ट होने से रोक सकते हैं। आई होप सो ये आपका एंड था चैप्टर का और ये चैप्टर आपको कम्प्लीटली समझ आया होगा। Still you have any doubt regarding this concept, regarding this chapter, you can comment me in the comment section. Thank you very much guys.